हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं मटर और मशरूम की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूँगी। तो इसकी रेसिपी मैंने कैसे बनाई है आप लोगों को दिखाऊँगी, और बताइएगा ज़रूर आप लोगों को मेरा बनाने का तरीका कैसा लगा। और अगर आप लोग इसकी रेसिपी, वैसे तो सभी लोगों को आती है, अगर नहीं आती जिन लोगों को, तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप लोगों को आएगी, समझ में आएगी। तो ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को पूरा एंड तक। तो चलिए देखते हैं मैंने क्या क्या लिया है मशरूम की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो मशरूम की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने मशरूम लिया है, ये मेरा 250 ग्राम मशरूम है। और आधा किलो मटर थी, तो उसमें से थोड़ी सी मटर मैंने निकाल ली थी, तो छील के रख ली है छील के। और ये 2 प्याज लिए हैं, 2 टमाटर काट लिया है। और मसालों में मैंने हल्दी पाउडर है 1/2 चम्मच, और 1/2 चम्मच सब्जी मसाला, और लाल मिर्च पाउडर है, और थोड़ा कश्मीरी मिर्च का पाउडर, और गरम मसाला, और धनिया पाउडर। और तड़के के लिए मैंने जीरा और करी पत्ता लिया है। मैं ग्रेवी बनाने की तैयारी करूँगी। तो ग्रेवी बनाने के लिए पहले मैंने करीब 1.5 चम्मच तक ऑयल लिया है, और उसमें फिर उसको गर्म करने के बाद उसे प्याज डाल दिया। प्याज को मैं ब्राउन होने तक पकाऊंगी। और प्याज मेरी ब्राउन हो गई, उसके बाद मैंने जो टमाटर काटे थे इसको भी मैं इसी में पका लूँगी। और टमाटर को गलने तक मैं पकाऊंगी। और टमाटर जब मेरे अच्छे से गल जाए, थोड़े से गल जाएंगे हल्के, तो मैंने आप लोगों को उसमें दिखाया नहीं था, तो मैंने अदरक और लहसुन को कूट लिया है, पेस्ट नहीं बनाया है, उसको कूट के रखा है। और आप चाहे तो इसमें कटा हुआ डालना है, क्योंकि हमें ग्रेवी बनानी है तो वो ऐसे भी पक जाएगा, बट मैंने कूट लिया है अदरक लहसुन को, तो उसको मैं ऐड कर दूंगी इसमें। पहले नहीं ऐड किया, वरना लहसुन अदरक का बहुत ज़्यादा पक जाएगा तो इसका इसी खुशबू नहीं आती इतनी अच्छी, फिर इसलिए मैंने बाद में इसमें ऐड किया है। और फिर ये मेरा पेज जब पक जाएगा अच्छे से, तो फिर मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। ये देखिए मेरा जो मैंने टमाटर प्याज को पकाया था वो ठंडा हो गया है। और अब मैं इसे जार में डालकर इसका एक पेस्ट बना लूँगी, इसकी ग्रेवी बनाऊँगी। तो ये देखिए ग्रेवी मेरी कितनी बढ़िया बन गई है, इसका कलर भी कितना अच्छा है। और अब मैं तड़का लगाऊँगी। तो मैंने 1/2 चम्मच ऑयल लिया है, 1/2 चम्मच ऑयल उसको गर्म करके, फिर मैंने जीरा और जो करी पत्ता लिया था उसको डालूँगी, और इसमें थोड़ी हींग डालूँगी एक चुटकी। और जब इसको होने के बाद फिर मैं इसमें मटर ऐड करूँगी, जो मैंने मटर ली थी इसको भी अच्छे से थोड़ा, मैं इसमें मसाले अभी नहीं ऐड करूँगी क्योंकि मेरी ग्रेवी तो पहले से ही पकी है। तो पहले थोड़ा सा मटर को भून लूँगी, और जो मैंने मशरूम लिया है उसको भी इसमें ऐड करके थोड़ी देर इनको भून लूँगी अच्छे से, और फिर उसके बाद में इसमें मसाला ऐड करूँगी। इसलिए कि मैं अगर इसको पहले मैंने मसाला डाल दूँगी तो मेरे जो मशरूम मटर है अच्छे से भून नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैंने इसको पहले भूंज लिया है, उसके बाद ही मैं मसाला डालूंगी। और फिर अब मैंने मसाला इसमें डाला है, तो इसको भी मैं थोड़ी देर और भूंज लेती हूँ अच्छे से। और भूनने के बाद जो मैंने ग्रेवी बना के रखी है वो इसमें ऐड कर दूंगी। और बताइएगा ज़रूर मुझे भाई आप लोगों को मेरी रेसिपी और मेरे बनाने का तरीका कैसा लग रहा है। और लाइक कर दिया करिए, लाइक बहुत कम करते हैं आप लोग, तो वीडियो तो देख लेते हैं लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक कर दिया करिए भाई। तो फिर इसके बाद जब मेरा ये पक गया, तो मैंने जो ग्रेवी बनाई थी इसमें ऐड कर दी है, और इसको फिर मैं अच्छे से भूंज लूँगी। वैसे मेरी ग्रेवी पकी हुई है काफ़ी अच्छे से, तो फिर भी मैं थोड़ा देर और भूनूँगी इसे। और फिर आप अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड करिए, आप इसे पतला या और गाढ़ा रखना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से पतला गाढ़ा कर सकते हैं। इसके बाद नमक ऐड करिए, और फिर इसको ढक के पकने दीजिए थोड़ी देर।
10 मिनट मैंने इसको पकने दिया था, तो 10 मिनट बाद मैंने इसे खोल के देखा तो ये देखिए कितना बढ़िया बनी है मेरी ये मटर और मशरूम की सब्ज़ी। और अब मैं इसमें लास्ट में ये ताजी घर की ही मलाई है मेरी, तो उसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी, लास्ट में मलाई ऐड करूँगी और इसे कलर भी बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो आप लोग भी अगर है आप लोगों के पास और नहीं ऐड करना चाहते तो ना भी ऐड करें, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैंने इसमें ऐड कर दी, मेरे पास थी ताजी मलाई तो इसलिए मैंने ऐड कर दी, और अगर आपके पास क्रीम है तो क्रीम भी ऐड कर सकते हो। तो बस बनके तैयार हो गई है, तो बताइएगा भाई ज़रूर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।